हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल आर्ट विद फन पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एक क्राफ्ट का। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक एनवलप, बहुत ही प्यारा एनवलप बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने शीट्स लिए, ये A4 साइज़ के शीट्स हैं, प्रिंटेड शीट्स हैं। फ्रेंड्स, आप इनकी जगह भी प्रिंट के शीट्स ले सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। मैंने इधर एक तरफ लाइन खींची है 4 सेंटीमीटर्स की, तो अभी दूसरी साइड भी मैं वही लाइन खींच रही हूँ 4 सेंटीमीटर्स की। तो बीच में जो स्पेस बचता है उसको हम नोट कर लेंगे कि कितना है लाइन खींचने के बाद। और नीचे की लाइन मैंने 1 सेंटीमीटर खींची थी। तो फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देखिएगा कि कोई भी चीज़ मिले, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उतना ही पेपर केवल एक्स्ट्रा इसमें से कट कर लूँगी दूसरी शीट से। और फ्रेंड्स, इसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे और जो बचा है पेपर उसको हम दूसरी शीट पर जिसपे हमने मार्किंग की थी उस पेज को पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने कट किया था वो इस शीट में, पहली वाली शीट में जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उस पर पे हम पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये जो लाइन हमने खींची है, इसमें जो लाइन 1 सेंटीमीटर नीचे निकाला था उसमें से ये कॉर्नर हम कट कर देंगे। दोनों तरफ हम कॉर्नर कट कर देंगे। उसके बाद में हम ये सारे कॉर्नर जो चारों हैं उनको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके कट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये काट देती हूँ, दोनों कर दिए हैं। और अब जो ये कॉर्नर है हमारे चारों, ऊपर वाले भी कॉर्नर हम इसको फोल्ड करेंगे और नीचे वाले भी दोनों फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, हम इनको कट कर देंगे। और कट फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस मिलेंगे देखने के लिए। कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं यहाँ पे मेहंदी पेंटिंग रंगोली की वीडियोस अपलोड करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही प्यारा है क्योंकि ये जो हम एनवलप तैयार कर रहे हैं बहुत ही प्यारा क्यूट सा एनवलप बनेगा। और इसको हम यूज कर सकते हैं किसी गिफ्ट पैकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। गिफ्ट को भी हम इसमें रख के किसी को भी दे सकते हैं। और बर्थडे वगैरह तो चलते रहते हैं फ्रेंड्स, हम लोग के फ्रेंड्स में बहुत सारे बर्थडे होते हैं, हमको इसमें बहुत अच्छे से कार्ड रख के भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा बनने तक आप जरूर देखिएगा। ये साइड में जो हम एक्स्ट्रा पेपर बचा है इस पे इसको देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करिएगा प्लीज़। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं इसमें फेविकोल लगा के यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, लगा लिया उंगली से फैला के मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कलरफुल शीट्स नहीं है, A4 साइज़ के प्लेन शीट भी ले सकते हैं। आप प्लेन शीट लेंगे तो भी आप ऊपर से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो भी आप पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसको बाद में डेकोरेट करके भी बताऊंगी किस तरह से इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं, ये और अट्रैक्टिव लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप प्लेन शीट्स अगर आपके पास हो तो वो यूज़ कर लें, और अगर आपके पास अगर प्रिंटेड शीट्स आपको मिल जाते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चारों तरफ से अच्छे से इसको फोल्ड कर देती हूँ। और ये हमारा फ्रेंड्स, इसको चिपकाने के लिए अच्छे से इसको सूख जाने दीजिए, फिर इसके ऊपर से फिर हम इसको वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमको करना क्या है, जो नीचे वाली सीट है उसका जो एक्स्ट्रा पेपर थोड़ा सा निकला हुआ, जो 1 सेंटीमीटर जो कि हमने नीचे फोल्ड कर दिया, दूसरी सीट का नहीं किया था, उसी में हम एक्स्ट्रा पेपर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम मार्किंग कर लेंगे कि हमें कितना ज़रूरत है, बस उतना ही हम कट करेंगे। फ्रेंड्स, इसको कट करने के लिए आप एक पेंसिल की हेल्प से और स्केल की हेल्प से कर लें। और लाइन करने के बाद हमारा जब भी हम कट करते हैं तो हमेशा सीधी ही कट होती है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं इसको कट कर लिया और ये मुझको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा लग रहा है तो मैं इसको साइड से भी थोड़ा सा निकाल देती हूँ। और निकालने के बाद फ्रेंड्स, करेंगे क्या, हम इन दोनों को मोड़ के और इसको थोड़ा सा शेप देंगे, गोल शेप देंगे पेंसिल से। इसको हम थोड़ा सा गोल शेप देंगे अभी। फ्रेंड्स, मैं मार्किंग कर लेती हूँ पेंसिल से, दोनों साइड्स को मोड़ लिया अच्छे से। और अब मैं थोड़ा सा पेंसिल से इसको शेप दे दूँगी गोल। और फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम एनवलप बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो कॉर्नर्स होते हैं उनको थोड़ा सा कट कर देते हैं तो फिर अच्छे से देखना और ये मुड़ा हुआ बहुत लुक अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है, गोल शेप दे दी है मैंने। आप थोड़ा सा अगर तिकोना रखना चाहें तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। कुछ वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी, आप प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आपको फैब्रिक पेंटिंग और DIY वीडियोस भी मिलेंगे मेरे चैनल पे, तो फ्रेंड्स आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा बनके रेडी हो गया, अब इसको बस थोड़ा सा डेकोरेट करना है हमको। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास है रेशम का थ्रेड, मैं इसको डबल नहीं ट्रिपल करके इसको एक छोटी सी मैं डोरी बना रही हूँ इसको। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ऐंठ लगाना है हमको इसमें घुमा घुमा के, और फिर इसमें एक छोटी सी हम डोरी बनाएंगे और दो डोरियाँ बनाएंगे छोटी छोटी, दोनों को एक ऊपर हम पेस्ट करेंगे और एक नीचे वाले पार्ट पे। तो फ्रेंड्स,
इस तरह से मैंने इसमें दो डोरियाँ बना ली। अब मैं इन डोरियों में लगाने के लिए नीचे टेसल्स बना रही हूँ। तो टेसल्स बनाने के लिए हमको करना क्या है कि हम अपनी उंगलियों में भी लपेट सकते हैं धागा, नहीं तो हम कोई और चीज़ ले लें, कोई बॉक्स ले लें, उसके ऊपर भी हम इसको अच्छे से रैप करना है हमको कई बार। बस ये जितना आप मोटा बनाना उतने ही आपको राउंड लगाने हैं इसमें। तो फिर इस तरह से मैंने कई बार इसको रैप करके और इसको मैं कट करके इकट्ठा करके इसको मैं बांध दूंगी। मैं उन डोरियों में ही बांधूंगी जो हमने बना के रेडी की हैं। तो फ्रेंड्स इस बोरियों में, और फ्रेंड्स करना क्या है, इसको थोड़ा जो गांठ लगानी है हमको, ये रेशमी धागा है तो ये जल्दी से खुल जाता है, हम कई बार अच्छे से इसको टाई कर दें। तो फ्रेंड्स इसको टाई करने के बाद अब ये जो बंद है नीचे से इनको हम कट कर देंगे, और कट करने के बाद अच्छे से इनको एक जैसे एक सेम लेंथ में कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये बीच से मैंने कट कर दिए हैं, अब मैं इसको सेम लेंथ में कट कर देती हूँ नीचे से भी। फ्रेंड्स ये हमारा टेसल्स बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आजकल इस तरह से टेसल्स का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, फ्रेंड्स दुपट्टों में और सूट्स में भी बहुत ज़्यादा लगे हुए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये बनाने नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इनका एक वीडियो बना दूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों अच्छे से पेस्ट कर दिया, ऊपर छोटा सा राउंड मैंने इसमें कागज़ का काट के, पेपर का काट के मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। फ्रेंड्स ये हमारे दोनों साइड से लगा और ये हमारा एनवलप लगभग रेडी हो गया। फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन कलर का स्पार्कल, मैं इससे थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये जो बड़ी बड़ी सी लीव्स प्रिंट है इसमें मैं थोड़ा सा फैला के स्पार्कल लगा रही हूँ, और जो छोटी ग्रीन कलर की लीव्स है इनमें मैं थोड़ा सा एक एक डॉट रख रही हूँ। फ्रेंड्स ये आपके प्रिंट पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का प्रिंटेड पेपर लिया है, उस हिसाब से आप भी स्पार्कल से डिज़ाइन बना सकते हैं। और अदरवाइज आप इस पर छोटे छोटे से स्टोन भी चिपका सकते हैं, और अगर आपका प्लेन है तो भी आप छोटे छोटे से फ्लावर्स बना सकते हैं स्केच पेन से, और उसमें स्टोन लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये डेकोरेट करने के बाद ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा लगभग रेडी हो चुका है, मैं अभी आपको ट्राई करके भी दिखा दूंगी कि बाद में इसका लुक कैसा आता है। फ्रेंड्स इस एनवलप को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी गिफ्ट को भी देने में यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी छोटा सा गिफ्ट हम रख के दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक तो ज़रूर बनता है आपका, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।